इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की खबर। ओवैसी की गाड़ी पर हुई फायरिंग, कई गोलियां लगी गाड़ी में। हमलावरों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। किठोर से मेरठ लौटते समय छिजारसी टोल प्लाजा के पास हुई फायरिंग, ओवैसी सुरक्षित। हो गए सब, देखिए ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पर दो व्यक्तियों ने फायरिंग की है। क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी, यहाँ पे हमारी इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुंची है, इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे, जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए मोटिव और वो सारी चीजें, क्योंकि अभी इसमें इंटरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा सकते हैं। सर क्या नाम है आरोपी का जो जिससे जिसको गिरफ्तार? अभी अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं, आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज प्लान की, उससे हम आपको अवगत करा देंगे। क्या किसी तरह के झगड़े की भी बात आई है? पहले देखिए इसमें सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखवा रहे हैं जो इंसिडेंट हुआ है। आज शाम में जैसे ही MIM चीफ ने अपने ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी कि उनके काफिले पे अटैक हुआ है और वो ठीक हैं, इस सूचना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां पर ये घटना होना बताया जा रहा है वहां पे लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोगों को, और वहां के वीडियो फुटेजेस निकालने के बाद से ऐसा लग रहा है कि दो व्यक्तियों ने इसमें फायरिंग की है, जिसमें से एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वो उसका नाम सचिन है और वो बादलपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और उसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है, उससे विस्तृत पूछताछ चल रही है तथा उसके अतिरिक्त और कौन कौन लोग हैं उसके द्वारा जो सूचना दी जा रही है उसको डेवलप करके और बहुत शीघ्र ही हम लोग इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे कि अटैक का क्या कारण था। लेकिन सबसे संतोष की बात यह है कि पुलिस की जो क्विक रिएक्शन के कारण एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है और वो वीडियो फुटेज से स्पष्ट है कि वो उस घटना में शामिल है और इसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है। घटना की वजह क्या निकल के आई अभी तक? अभी फायरिंग की गई? अभी मौके पे हमारे वहाँ के मेरठ के IG मौजूद हैं, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जब तक सभी चीजें पूछताछ के बाद तस्दीक नहीं हो जाती, कारणों का बताया जाना अभी संभव नहीं है।